नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि सोनिया गांधी एक साल के लिए और अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। CWC की जो आज बैठक हुई है, उस बैठक में यही फैसला लिया गया है कि अगले एक साल के लिए सोनिया गांधी ही अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेगी। आपको पता है कि इससे पहले 23 कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने मांग की थी कि कांग्रेस को अब नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है। उसके बाद यह विवाद बढ़ने लगा कि आखिर कांग्रेस को ऐसा कौन सा नेता होगा जो आगे लीड करेगा गांधी परिवार के अलावा। उसके बाद फिर से कांग्रेस दो फार होती दिखी, जिसमें से कुछ नेता सोनिया गांधी के पक्ष में दिख रहे थे, कुछ नेता राहुल गांधी के पक्ष में दिख रहे थे। उसके बाद जब CWC की आज मीटिंग शुरू हुई, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, उस मीटिंग में भी यह बात निकल के आई कि राहुल गांधी ने सीनियर नेताओं को यह भी कहा कि आखिर इस समय क्यों जरूरत आन पड़ी उन्हें चिट्ठी लिखने के लिए, और यह चिट्ठी लीक कैसे होती है। उसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिर यह चिट्ठी मीडिया तक कैसे पहुंची। उसके बाद यह भी कहा गया कि कुछ सीनियर नेता नाराज भी हुए राहुल गांधी की इस बात को लेकर, और उसके बाद मान मनोवल का दौर भी चला है CWC की मीटिंग में। लेकिन फाइनल फिलहाल यही हुआ है कि आने वाले एक साल तक सोनिया गांधी ही कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। पहले भी ये कहा जा रहा था कि लगातार इस मंथन से कुछ निकलने वाला नहीं है, क्योंकि अभी भी सवाल उठता है कि गांधी परिवार के अलावा आखिर वह कौन कांग्रेस का ऐसा कार्यकर्ता है जिसके नाम पर आम सहमति बन सकती है। हालांकि जब आज मीटिंग शुरू हुई तो शुरुआत में ही सोनिया गांधी ने कहा कि वह इस पद को छोड़ना चाहती हैं, लेकिन उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें कहा कि आप इस पद पर बने रहें। एक दो नेताओं ने और भी कहा कि आप इस पद पर बने रहें। उसके बाद अब जो पूरा लब्बोलुभाव निकल कर आ रहा है इस मीटिंग का, वह यही है कि सोनिया गांधी अभी एक साल तक अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। हालांकि इस मीटिंग में यह भी कहा गया है कि बूथ स्तर पर नेताओं का अब एक बार फिर से चयन हो और उसके बाद फिर कांग्रेस के अध्यक्ष को की तलाश की जाए कि कौन कांग्रेस का अध्यक्ष होगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है, जो अलग अलग कुछ सीनियर जर्नलिस्ट कह रहे हैं, कि यह पूरी कवायद सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को एक साल का और मौका देने के लिए है। दरअसल फिलहाल कुछ राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं इस साल, और कुछ राज्यों में कांग्रेस फिलहाल सत्ता में जूझ भी रही है। बार बार उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये फिलहाल की स्थिति सही नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी को एक साल का और मौका मिले और फिलहाल सोनिया गांधी ही अंतरिम अध्यक्ष बनी रहें, तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सोनिया गांधी कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष अगले एक साल तक के लिए और रहेंगी। उसके बाद फिर तय होगा कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा।